हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी वो हमारे यूट्यूब के टॉपिक पर होगी। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम यूट्यूब के ऊपर लाइव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो तो हम यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम 1000 सब्सक्राइबर से पहले बिना किसी एप्लीकेशन यूट्यूब पर कैसे लाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक यूट्यूब का अपडेट आया था, तो दोस्तों वो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो अपडेट है ये यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों, अब तक जो आप YouTube पर लाइव कर रहे थे वो थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन से आप YouTube के ऊपर लाइव कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर नए होने के कारण हमारे को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शिवा और आप देखने टोटल टैक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं इस चैनल पर ऐसी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो वीडियो आप स्किप मत कीजिए, आप को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटा सा स्टेप अगर कहीं पर मिस कर देते हो तो दोस्तों बड़े बहुत बड़ी भूल कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गेमिंग चैनल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो गेमिंग चैनल होते हैं उनके ऊपर ही हमारे को लाइव करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप YouTube के ऊपर नया गेमिंग चैनल ओपन कर रहे हो या फिर अपना YouTube चैनल बना रहे हो, तो दोस्तों बनाने के बाद में आप अपने YouTube चैनल पर अपना गेम प्ले दिखाने के लिए या तो आप छोटी छोटी क्लिपों के अंदर 10 मिनट की वीडियो या फिर 5 मिनट की वीडियो इस प्रकार से बनाते हो, बनाने के बाद में आप अपलोड करते हो, नहीं तो आप थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन से YouTube पर लाइव करते, जिसके कारण दोस्तों आपका YouTube चैनल ग्रो कर सके। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आपके YouTube चैनल पर किसी भी प्रकार का लाइव ऑप्शन नहीं ओपन होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लाइव का ऑप्शन कैसे ओपन कर सकते हो, ये जो अपडेट आया उसके बाद में। फ्रेंड्स, अगर आप अपना गेमिंग का एक YouTube चैनल ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन ओपन करने के लिए आपको केवल 50 सब्सक्राइबर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे कि 50 सब्सक्राइबर ऐसे कैसे हो सकते हो। ये 50 सब्सक्राइबर लाइव ऑप्शन ओपन होना मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मैं आपको अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाने के लिए अपने YouTube पर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पर नीचे होम, शॉर्ट और सब्सक्रिप्शन और लाइब्रेरी के बीच में हमारी को एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहां पर गो टू लाइव पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों, गो टू लाइव पर क्लिक करूंगा तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको गूगल ट्रांसलेट करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर ये गूगल ट्रांसलेट कर लिया। फ्रेंड्स, जो YouTube लाइव ने जो हमारी को नोटिफिकेशन दिया है वो ये बोल रहा है कि योग्यता, आपका चैनल मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारी उद्यमता योग्यता आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, इसलिए ये जो यूट्यूब है वो आपको लाइव की स्ट्रीमिंग की आपको ये योग्यता नहीं दे सकता, मतलब आपको परमिशन नहीं दे सकता। दोस्तों, नीचे क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों आप अब भी अपने बैकअप या प्रसारण सॉफ्टवेयर के साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बोल रहा है कि आप थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता दूंगा कि हम थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को क्यों यूज करें। अगर दोस्तों आप थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ ही कुछ मोबाइल के अंदर वर्क करती है, कुछ मोबाइल के अंदर वर्क नहीं करती। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के सब्सक्राइबर दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो 1 सब्सक्राइबर है। लेकिन दोस्तों, मैं अब आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर ले चलता हूं जिसके हमारे को 100 प्लस सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा सेकंड चैनल है वायरल हरियाणा वाला, तो इस यूट्यूब चैनल के जो मेरे सब्सक्राइबर बेस है वो 174 है। तो मैं आपको इस पर दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूं। तो दोस्तों, अब मैं यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं गो टू लाइव पर जाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो लाइव, तो फ्रेंड्स सबसे ऊपर हमारे को यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा, मतलब हम हमारे टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ ही अगर हम दोस्तों यहाँ पर नीचे करें तो यहाँ पर हमारे को पब्लिक और अनलिस्टेड का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा, मतलब आपको अपना जो लाइव है वो पब्लिक रखना है या फिर अनलिस्टेड। तो दोस्तों, दो नंबर पर हमारे को यहाँ पर अपनी लोकेशन का पता लग जाएगा, मतलब आप किस लोकेशन पर अपना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप डाल सकते हो। तो दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑडियंस दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, मतलब आप ये जो वीडियो वो बच्चों के लिए या फिर बड़े आदमी के लिए। तो दोस्तों, अगर बच्चों के लिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अगर बच्चों के लिए नहीं है किसी बड़े आदमी के लिए तो आप यहाँ पर नो फॉर मेड किड्स पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर यू आर रिजेक्ट योर वीडियो ऐप अडोल, मतलब ये आप वीडियो वो 18 साल प्लस वाला कोई देख सकता है या फिर 18 साल नीचे वाले, मतलब बच्चे। तो दोस्तों, अगर 18 साल प्लस वाला है तो यस कर सकते हो, अगर कोई बच्चा है तो नो यहाँ पर कर सकते हो। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर लेयर मोर के नीचे शेड्यूल फॉर लेटर, मतलब आप यहाँ पर अपना टाइमिंग डाल सकते हो कि आपको किस डेट को कितने बजे आप अपना लाइव स्ट्रीमिंग पब्लिश करना चाहते हो।
चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ से आप टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाऊँ तो आपको सबसे ऊपर वाली साइड में हमारे को अलाउ चैट मतलब हमारे को चैट का पता लग जाएगा, मतलब आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर लाइव चैट करना पब्लिश करना चाहते हो या फिर नहीं। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर पर है उसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर पे मतलब ऑनलाइन पे लेना चाहते हो या फिर नहीं, अगर कोई आपको पे करेगा तो। तो दोस्तों इसके नीचे भी एक ऑप्शन होगा जो कि हमारे को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मतलब आप किसी का प्रमोशन करो तो उसकी जो लिंक है वो आपको शो करेगी या फिर नहीं, तो दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते हो। फ्रेंड्स अब वो जो नीचे वाला नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये थंबनेल का ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अगर आपको कैमरे का ऑटोमेटिकली थंबनेल लेगा तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों चेंज करने के लिए थंबनेल चेंज करने की आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन दिखाई देने लग जाए तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एडिट सेटिंग मतलब आपकी जो भी सेटिंग है वो एडिट कर सकते हो, और नीचे रैक थंबनेल मतलब आप कैमरे से थंबनेल लेना चाहते हैं, अपलोड थंबनेल तो दोस्तों आप कोई थंबनेल बना लीजिए, बनाने के बाद में आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए। तो दोस्तों मैं थंबनेल अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों थंबनेल अपलोड कर लिया, थंबनेल अपलोड करने के बाद में मैं यहाँ पर गो टू लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने गो टू लाइव पर क्लिक कर दिया है, अब आपको यहाँ पर स्ट्रीम इन पोर्ट्रेट इस पर क्लिक करना। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि जो मेरी लाइव है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको ये बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करोगे तो मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा, अगर आप डिसलाइक करोगे तो उससे मेरे को पता लगेगा मेरी ऑडियंस को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसी यूट्यूब फेसबुक के और इंस्टाग्राम के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।